يومئذ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين صلوات صلی علی محمد و آل محمد پھر بھی ایک مرتبہ صلوات صلی علی محمد پھر بھی ایک مرتبہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد پھر بھی ایک مرتبہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد پانچویں مرتبہ بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهل والصلاة على أهلها أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى صلوات اللهم صل محمد محمد پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھیں اللهم صل محمد محمد اوصی بسم اللہ اچھا گیا بسم اللہ ٹھیک ہے پھر بھی ذرا بلند تر صلوات اللهم صل محمد محمد میں نے آپ کے سامنے تیسواں پارہ سورہ اللیل اس کا نام ہے جسے آپ سورہ واللیل کہتے ہیں اللیل اس سورت کی میں نے پہلی تین آیتوں کو تلاوت کیا ہے اس آیہ کریمہ میں اللہ صرف قرآن بنا کے اس کی تلاوت ہمارے لئے حکم دے کے صرف پڑھنے کا حکم نہیں دے رہا فرمایا پہلے یہ سمجھو یہ آیت صرف بھیجی نہیں گئی میں نے اس آیت میں ان کی قسم اٹھائی ہے جس کا قسم کھانے والا خود اللہ ہو بھئی جو جن کے بارے میں قسم کھائی گئی وہ مقسم بہی کیسے ہو کل میری کل گورنر سمجھ لو سکتا کل میں نے ذرا تھوڑی سی مشکل کرنی ہے چونکہ بات ہی مشکل ہے یہ آسان بات نہیں ہے مشکل بات ہے اور اس مشکل بات کو میں علم کلام منطق فلسفے میں بیان کریں گے یہ وہ آیہ کریمہ ہیں یہ ہی صورت ہے جس کے بعد اللہ نے رسول سے کہہ کے اعلان کروایا رسول کہہ دو قل ہو اللہ احد خالق کیا کہنا چاہتا یہ آیت توحید کے اللہ ہونے کی وحدت کی دلیل ہے اس سے توحید ثابت ہو رہی ہے اللہ کا اللہ ہونا ثابت ہو رہا ہے میں جملہ دوسرا کہہ دوں اللہ نے یہ سورت بھیج کر کہا جب تک سورت رہے گی میرا اللہ ہونا رہے گا یہ وہ آیہ کریمہ ہے جس آیہ کریمہ میں خلاق دو عالم نے قسم کھائی ہے پہلے میں ترجمہ کر دوں جو دنیا نے لکھا ہے ابھی اپنا ترجمہ میں بعد میں کروں گا پہلا ترجمہ دنیا نے صحیح یہ کیا واللیلِ اِذَا يَخْشَى قسم ہے رات کی
जिन्हों अच्छा नहीं लगता बेशक वो चले जाए, सानू जरूरत नहीं। जिन्हों नहीं लगता ना अच्छा, जो अच्छा जो मैं नहीं लग रहा तो फिर क्यों बैठते ना, ना ऐसे ना ना ना। एक भी मुझे हुक्म है, एक भी सुनने वाला हो तुम सुनाते रहो हजारों के हिसाब से। हमने उनका पैगाम पहुंचा। थानू तुसी इन्ने के चंगे लगदे हो, आ लो लो सी वाह वाह चलो सी। समझ आई सी? उन्होंने तर्जमा ये किया मेरे भाई, वल्लैले कसम है रात की, इजा यक्षा जब वो छा जाए। कसम है रात की जब वो छा जाए। नंबर दो, वन्नहारे इजा तजल्ला, कसम है, फिर मैं जुमला कहूँ यही, उन्होंने कहा कसम है दिन की जब वो रोशन हो जाए। भाई रात आई ही छाने के लिए है और दिन आता ही रोशनी के लिए, और वो एक दिन नहीं रोज आ रहा है। जो रोज रोज आए अल्लाह उसकी कसम नहीं खाता। इसकी दलील आगे है, इसकी अगली दलील ख्याल कराए सियाने हो सी हूँ सियाने पढ़ो। वन्नहारे इजा तजल्ला, कसम है दिन की जब वो रोशन हो जाए। तर्जमा मैं भी करूँगा अभी, इनका तर्जमा आगे है, वमा खालक ज़ाकरा वल उनसा। अल्लाह करे जहाँ जहाँ मेरी बात सुन रहे हैं वो खड़े होके ये जुमला सुन लें, आगे उनकी मर्जी है। वमा खालक ज़ाकरा वल उनसा, इन्होंने तर्जमा किया है वा और ए वा कस्मिया है, और माँ उसको कहते हैं, माँ मौसूला होता है, जब मौसूला कसम में आ जाए। मुझे अल्लाह कह रहा है मुझे उनकी कसम जिनका इल्म तुम्हारी अकलों से भी मावरा है। हाय 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 खुश हो मेरा भाई, हाय धरी। माँ मौसूला, मौसूला माँ माने वो माने क्या, माँ माने वो मान नहीं, मान ज़वेल उकूल के लिए आता है, माँ गैर ज़वेल उकूल के लिए आता है। उस इल्म की, इल्म वाले की कसम जिसका इल्म तुम्हारी अकलों से मावरा है, वो जिनके भेजे हुए हमारी अकलों में नहीं आते तो भेजने वाला कैसे आए। समझ नहीं आई? जिसने ऐसे अपनी दलील में भेजे हैं, ये दलील बन के आए हैं, अल्लाह दावा है। जब दलील की समझ नहीं आई तो दावा कौन समझेगा। अब क्या फरमा रहा है, माँ कसम है उस मावराए इल्म रखने वाले की जिसको मैंने इल्म दे के, हूँ गौर कराए गल समझ आइए थोड़ी जी, जिनको मैंने इल्म दे के खालक ज़ाकरा वल उनसा, इन्होंने तर्जमा किया है, ये मुफस्सरीन ने, बुतरे मुफस्सरीन ने, जिनको ऐसा इल्म दे के आए है, जिनको गल कर रही तो समझ नहीं आ रही, जिनको ऐसा इल्म दे के जो तुम्हारी अकलों से मावरा है, इल्म दे के तुम्हारी अकलों से मावरा है। एक लफ्ज़ मैं जल्दी से कह दूं, जहाँ इल्म की बारी आई किसी कहने वाले ने कहा अगर अली न होते तो मैं हलाक हूँ। ना ना नहीं गल नहीं समझ आई है तरी, तो गल समझ आइए। इसके बाद अब मैं तर्जमा इन्हीं का करने लगा, उस इल्म की जो तुम्हारे अकलों से मावरा है उसको खालकल ज़ाकरा वल उनसा,
अभी ने तर्जमा किया कि उन्होंने एक एक अब जो लफ्ज़ वहाँ नर और मादा उनसा माने मादा जाकरा माने हाँ नर का नर और मादा को पैदा किया लो से ये तर्जमा ये किया हुआ है ये इस ना दूसरी नर और मादा का तस्वर आप ले लेना आप मैं कितना जानता हूँ हमारी बीवी मेरी बीवी कितना जानती है जब एक घर में लाइलमी है तो लगाए ना जहाँ तमाम कायनात में बेखबरी है उनकी अल्लाह का सम खा रहा कैसा तर्जमा किया है? नर्मदा की कसम ना लिखा हो मैं जिम्मेदार हूं बाबा सही लिखा हुआ है नर की कसम मादा की कसम मुजक्कर की कसम मुअन्नस की कसम यूं कह दूं आप परेशान ना हूं जरा तो खोल के मैंने बयान किया मुजक्कर की कसम मुअन्नस की कसम फिर हर बीबी जब साहिब कसम है जो भी अल्लाह कसम के दायरे में जो बीबी आ गई या मर्द आ गया उसका जहन्नम में जाना खिलाफ आदल है फिर तर्जमा करो कसमें खाए और जहन्नम में भेजे क्या अल्लाह को अंजाम का पता नहीं ये मुजक्कर और मुअन्नस से मुराद नर मादा मुजक्कर मुअन्नस नहीं मुजक्कर को अली कहते हैं मुअन्नस को फातिमा कहते हैं हैदरी नैना मुजक्कर कौन है खाला का जाकरा अलिफ्लाम तारीफ का है खास हैं वो खास मारिफा का है मारिफा समझे पे मारिफा समझ जानी है अल्लाह करे शुक्र है मारिफा का है मारिफा से मुराद तख्सीस मैं कसम है उसकी जिनका इल्म मावराए अकल आलमीन है उस मुजक्कर की कसम उसे अली कहते हैं उस मुअन्नस की कसम जिसे फातिमा जहरा कहते हैं जब ये आयत आ गई ना अब अल्लाह ने रसूल से कह दिया रसूल सलूनी का दावा तू नहीं करना अब अली ने करना क्या बात क्या बात वो समझ जाइए नाराय तकबीर अल्लाह अकबर नाराय रिसालत अदर से अब तक इन दोनों नारों का महाव नाराय हैदरी ना ना कौन है मुजक जाकर कौन है मुअन्नस वो यार तुसी ख्याल ही नहीं किया जिन्होंने ख्याल नहीं किया मौजा करें अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिम आले मुहम्मद हुन गल जरा गौर नल सुन लो अय अल्लाह तूने तीसरी आयत में जनाब अली का जिक्र किया तेरी पहली दो आयतों में किन का जिक्र है ना ना मेरे बुजुर्ग समझ आंदी भी ऐसी तीसरी आयत में जनाब अली अलैहिस्सलाम का जिक्र है और पहली जो दो आयतें हैं उनमें जिक्र इन्हीं का है लेकिन तरतीब से खालिक ने तरतीब से सबसे पहले और ख्याल करें मैं बहुत बड़ी लफ्ज कहूंगा इसलिए सबसे पहले लैल में जिसकी कसम खाई है ना लैल वो रात नहीं और गल ख्याल करें जिसका तर्जमा इन्होंने रात किया रात रात ये पाकिस्तान की रात है यहाँ भी रातें हैं हम इंग्लैंड भी जाते हैं कनाडा भी अमेरिका भी हो ऑस्ट्रेलिया तक कोई दुनिया का मुल्क नहीं जहाँ नहीं गए उनकी रातें भी हमने देखी हैं वो भी रातें कहलाती हैं जिन रातों में गुनाह होते हूँ अल्लाह उन रातों की कसम ले और झल्ले लोग
जिन रातों में गुनाह होते होने या नहीं। 600 ड्रम रात को लाहौर में शराब के खत्म हो जाते हैं, 600 ड्रम। दिन में पता नहीं कितनी होंगे, रात की बात कर रहा हूँ। इस्लामी मुल्क की रात ऐसी है, मरकज शहर की रात ऐसी है, फिर ऐसी रातों की कसम खाएगा। फिर मानो कोई रात बेआयब लैल है, इस बेआयब लैला लैल को फातिमा कहते हैं। अब कुरान को समझना आसान है, हो कुरान को समझो खुदा के वास्ते। अब लैल कौन है? सही असल तर्जमा ही यही है जो मैंने तफसीर में लिख दिया है। वल्लैल, अल्लाह फरमा रहा है मुझे फातिमा जहरा की कसम। अभी बहस करूंगा मैं, अभी बहस कर। फातिमा जहरा की कसम, क्यों क्यों? अल्लाह सबसे पहले तूने जनाबी अली की कसम तीसरे नंबर पे, फातिमा जहरा की कसम पहले नंबर पे। फरमा इसलिए मैंने कसम खाई है, फातिमा ही तो उम्मे अबीहा है। अगर नहीं समझ आई मौजा करो, जनू लफ्जी तर्जमा नहीं आया, वो हकीकी क्या समझेंगे बेचारे। फातिमा उम्मे अबीहा है या नहीं? अब इस उम्मे अबीहा के हवाले से मैं तर्जमा करता हूँ। वल्लैल, स्याणे बनो, स्याणे असानू दादा ना दियो, स्याणे बन के सुन लो, ताकि घर जाके कभी तो ख्याल आएगा यार एक मौलवी ने ऐसे पढ़ा था। इस भी तो जरा गौर करें ना, अंधी तकलीद ना करें, आंखें ना बंद करें, सोचे इमाम आने वाला। जहूर इमाम बहुत जल्द होने वाला सर। कसम है किसकी? फातिमा जहरा की। दुनिया वालों, कुरान उस वक्त बना है या 14 थे या अल्लाह था? हूँ मैं लंबा पढ़ना सी, लेकिन सही हूँ आगे असी वंड लेंगे, कोई डर नहीं, टाइम असी कर लेते। अब अल्लाह फरमा रहा है वल्लैल, तर्जमा मेरा सुन ले मेरा भाई, वल्लैल जाओ यक्षा, ओ आलम सरमदी में कह रहा है मुझे कसम है फातिमा की, जिसने आलम सरमदी में अपनी इस्मत में तेरा को छुपा लिया है। कौन समझ आई है बाबा? वो कौन सा मकाम इस्मत है जिस बीबी ने बाबा को भी छुपा लिया है, शौहर को भी छुपा लिया है, बेटू को भी छुपा लिया है। वो मेरे बचड़े, वो बचड़े, छुपाना दलील है, इन्हें जाहिर मदीने में करूंगा। चादर तत्हीर में मदीने में बिठा के कहा ये फातिमा का बाप है, ये फातिमा का शौहर है, ये फातिमा के बेटे हैं, अल्लाह नहीं। अल्लाह क्या कह रहे? वल्लैल कसम है लैल की। लैल कौन है? जनाब फातिमा जहरा सलवातुल्लाह अलैहा। वल्लैल इज़ा यख्शा, देखिए हूँ तक ये लैल जनाब सैयदा है। लैल तो है उम्मे अबीहा। इधर देख सर समझ नहीं जानी, बैठे रहो ठीक, सानू पता होंगे कि इन समझ आई है कि नहीं आई। नहीं आई जाइए उठ गया, चलो जी। कसम है उम्मे अबीहा की, जब वो तेरा को अपनी इस्मत के कमाल में छुपा ले। खुदा जाने जिसमें बाप भी छुप जाए उस इस्मत फातिमा को, फातिमा जहरा उम्मे अबीहा कहते। कसम है फातिमा की, जब इस्मत में अपने तेरा मासूमीन को छुपा ले। हुन ख्याल कराए, वन्नहारे इज़ा तजल्ला, अभी बहस करता हूं मैं। कसम है, कसम है
बारहवें की जब वो जाहिर होकर आलमीन को रोशन कर दे। इन्होंने कहा दिन का के दिन रोज दिन है दिन। मैं जो उनसे जरूर कहूंगा, अगर अल्लाह ने दिन की कसम खाई है फिर सूरज को गहन नहीं लगना चाहिए। जो ऐबदार हो जाए उसकी कसम नहीं होती। समझ आइए, गहन भी साल में दो दफा लगे, चांद ग्रहण भी लगे, है दरी। फिर वो कहाँ का आदिल होगा। वल लैले वन नहारे इज़ा तजल्ला, तुम्हारी खातिर वन नहारे इज़ा तजल्ला, है जब ये सीना भर जाए ना, कोई सुनने वाला ना हो। जनाब अली कहते थे काश कूफे में ऐसे लोग नहीं हैं जो मेरा इल्म सुन सके। हाय हाय, कूफे में जनाब अली के होते हुए वह बचड़े सुन सके। फरमाया जब कभी तुम्हारा इल्म हमारी मारिफत से फटने लगे, क्योंकि उसका गुबार ऐसा है कि उसने बाहर निकलना है, बाहर निकलने के लिए सामीन चाहिए। फिर मैं अगर बाहर ना निकल, कोई सुनने वाला ना मिले ना, कुएं के ऊपर जाके कुएं में मुंह करके मेरे फजाइल बयान करते जाओ। निशानी यह है जैसे जैसे तुम करते जाओगे पानी कूफे का उबलता, कुएं का उबलता जाओ। यह कुएं का पानी उबल नहीं रहा, अली अली कर रहा है। पानी उबल रहा है, उबलने लगा है दरी। एक गल छोटी जी, बस ज्यादा नहीं। जनाब अबू जर जनाब सलमान के पास गए। सलमान चाहते थे आज आ जाए, जब ये चाहते हैं फिर आ भी जाते। अबू जर आके बैठ गए, सलाम किया, बिठा दिया। खुदा जाने उसके बैठने के अंदाज में उस तरह बिठाया जैसे वो बैठना चाहते हैं। नहीं समझ नहीं आई, मेज़बान ने उस तरह मेज़बानी की जैसे हक के मेज़बानी है, ऐसे बिठाया। आम आदमी की बात नहीं, वो जिनका बैठना अदब के लिहाज से हो, खुदा जन उनका मानना किस एतबार का हो। अबू जर बैठ गए, बैठते ही जनाब खुश हो मैं गल करा, बैठते ही जनाब सलमान ने कहा अबू जर आइए अली की बात करें, अल्लाह की नहीं। नहीं समझ है, अल्लाह तो बावराए कमाल है। अली समझ आएगा, अली समझ आएगा तो अल्लाह समझ आएगा। अली की बात कर, सर बैठ गए, अबू जर बैठ गए साथ, बैठ गए से तुसी नहीं देख दे, मैं बैठना देख रहा हूँ, मैं यकीन से कह रहा हूँ आपसे। अबू जर बैठ गए, जनाब सलमान बैठे आगे, एक शोरबे का प्याला रखा हुआ है, शोरबा शोरबा समझते हैं ना, शुक्र है। उसके ऊपर ढकना भी नहीं है, वो रखा हुआ है। अबू जर ने कहा सही बिस्मिल्लाह शुरू करें। जनाब सलमान ने फजाइल अली बयान करने शुरू किए, एक फजाइल से फजीलत से जो पर्दा हटाया वो प्याला उछल कर उल्टा हो। हाय हाय हाय, वो प्याला उछल कर उल्टा हो गया, ढकना भी नहीं था। अबू जर को यही दिखाना था। अबू जर ने कहा वह सारा शोरबा तो गिर गया होगा, है जिसको उलटने से गिरना ही समझ नहीं आया है। अल्लाह जाने गिराने वाला सलमान कैसा है। ये तो गिर गया होगा, क्या शोरबा, सरकार ने हाथ करके सीधा किया तो गिरा ही नहीं है। जिसके गुलाम ऐसे हूं उनका इमाम कैसा है। हाय 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 हाय,
कुछ एक कैफ से है, अबू जरा सीधे हुए कैफ से, फिर शुरू किया। कैफ समझते हैं, कैफ कैफ कैफियत ने द्रूद नहीं सी ख्याल कर, हाँ कैफियत ख्याल करें, कैफ विलायत कैफ है, जो इस कैफ में होते हैं वो इधर उधर नहीं देखते। ना इधर उधर जाते हैं ना देखते हैं, समझ गए मेरी गाल को यार। फिर मैं गाल सुन, मैं जान के कह रहा हूँ, जान के ख्याल कराए। फिर दूसरी मरतबा जनाब सलमान ने बयान करना शुरू किया, फिर जरा फजीलत बयान की तो कुछ उससे ज्यादा उछला, फिर गिरा, कहा अब तो बिल्कुल उछल के गिरा। अब जनाब ने उठाया तो कुशल ही गिरी। अबू जर परेशान होता गया, अबू जर को परेशान करना नहीं था, समझाना। हाय 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 हाय। अब तीसरी मर्तबा जो हिजाब हटाया ना, बहुत ऊंचा होके गिरा गिरा, अब तो यकीन हो गया इतनी ऊंचा गिरा है, ऐसा सीधा क्या तो नहीं गिरा। अबू जर बैठ नहीं सका, बैठ दौड़ के आया अली अलैहिस्सलाम के सामने के मैं बताऊं, अभी दूर था अबू जर। जनाब अली ने फरमाया अबू जर सिर्फ शोरबा देखा है, नहीं समझ आई बेचारे। अली हक, एक छोटी सी गल कर लो, लंबी बहस नहीं करनी, वरना ये तो मेरा मौजू आज कल रात से मुल्तान चल रहा है। अब जनाब अल्लाह ने दो तीन मिनट सी कसम खाई है, किसकी कसम है? फातिमा की। मैं टाइम मैंने फिर कंजेस्ट कर लिया, ऐसे लगा कि नहीं लंबे ना हो। ये बाब ऐसे दरबार हैं, यहाँ हर वक्त अपने अपने मेयार की रहमतें नाजिल होती हैं। खुदा के लिए इन रहमतों को ज़ाया ना होने दिया करे, ज़मीन पे ना गिरे आके ऊपर आके। ख्याल की करो, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, एक मिनट में बात सामने आई। अल्लाह ने इन 14 को बना के रसूल को मरकज बना के, 14 का नूर एक जगह जगह जमा करके रसूल को ऐसा वजूद दिया, एक भी है और 14 भी है। समय जब मैं सारा मजमून छोड़ दी है जरी। रसूल को कहते हैं वाहिदुल असल नूर, एक हो के 14, 14 हो के एक। कोई साहिब नजर हो तो रसूल के चेहरे पे 14 नजर आएंगे। रसूल ने अपना चेहरा नहीं बताया, अली का चेहरा बता के कहा, अगर कोई आदम का इल्म देखना चाहे, नूह का हिल्म देखना चाहे, इब्राहिम की खुल्लत देखना चाहे, मूसा की हैबत देखना चाहे, ईसा का जोहद देखना चाहे, चेहरा अली का देखे, अंबिया के कमाल चेहरा एक है, कमालात सारे अंबिया। अब रसूल ने वाहिदुल असल को भेजकर अल्लाह ने एक नूर बना के कुल कमालात का इन्हें मजहर बनाया। शिया कौम पे मैं एक एहसान कर रहा हूँ, एहसान नहीं नौकर, मैं नौकर हूँ नौकर, लेकिन ये मौला ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि इनको ऐसा अकीदा दे के जाओ, अगर ये कोशिश करें तो जन्नत मुंतजर रहे। जन्नत किन की मुश्ताक थी पता है या नहीं? जन्नत चाहती थी जल्दी आए,
है ये वो लोग हैं, उनके नौकर ऐसे हैं कि जन्नत मुश्ताक है, जन्नत चाहती है, जन्नत को भी खबर है ये है वाली के मानने वाले। रसूल को भेजा, रसूल ने कमाला दिखाने शुरू किए। कमाल में पहला कमाल ये था, अपने सारे कमालात दिखा के कहा, दिखा के मक्के को और मदीने वालों को दिखा के कहा, वो एक है उसे एक मानो। तुम्हें नहीं समझ आई? अल्लाह एक है उसे मानो। मैं अल्लाह नहीं, अल्लाह वो है जिसने मुझे ये कमालात दे के भेजे हैं। यही से समझो, जिसका भेजा हुआ ऐसा है उसका भेजने वाला कैसा होगा। किसको मानो? उसे एक मानो, एक एक। 360 बुत थे, एक। अच्छा देर नाल समझ आ गया, अजे भी 1600-1400 साल के बाद ये भी नहीं समझ। एक मानो। अब उस एक ने कहा, सारे कमालात मेरा हबीब दिखा रहा है, इल्म है, मेरी हिकमत है, कुदरत है, सारा कुछ ये दिखा रहा है, ये भी एक है। और ये मनवाए वो एक, उसको माने मुझे कौन मानेगा? हाय हाय ना, मुझे कौन मानेगा? सामने तो ये दिखा रहा है, ये तो सामने देख कर ही नहीं मान रहे, मुझ गायब को कैसे मानेंगे? अल्लाह ने इसीलिए 12 इमाम बनाए, इनको रसूल के साथ हर कौल और अमल में शरीक बना के, इनको शरीक करके दिखा के कहा, ये देखें रसूल के साथ ये सारे शरीक हैं। जब रसूल ने शरीक अपने आप 14-13 को मनवा लिया, अब मुतमैन हो के अल्लाह कहता है मैं ला शरीक अब माना जाऊंगा। हाय 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 मैं ला शरीक, अब मेरा ला शरीक होना माना जाएगा। जब मेरे भेजे हुए शरीक हैं, सारू ने शरीक नसीब कर लिया ना, अब ये सारे मिलके कह रहे हैं वो ला शरीक है, मेरा ला शरीक होना माना जाएगा। लेकिन तौहीद की मशीयत में फिर गुजरा, मैंने सिर्फ ला शरीक नहीं मनवाना, वहदहू भी तो मनवाना। मेरे ख्याल समझ नहीं आई, जो वहदहू को मनवा दे उसे उम्मे अभी हाँ कहते। खुश हो मेरे पुत्र, खुश, कितनी बड़ी बात है। अब वहदहू मनवाना है अल्लाह को, जब कहा ना वहदहू पहले है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू, पहले क्या है? पहले वहदहू ला शरीक, फिर जुमला कह दूं ना, इन 13 ने ला शरीक मनवाया, अकेली फातिमा ने वहदहू मनवाया। ये शरीक है, कार रिसालत है। ओए होए होए होए, अब सैयद अल्लाह ने इन 14 के दरमियान में सैयदा को खड़ा करके कहा, अपनी इस्मत से 13 को छुपा ले। जो ही बीबी ने छुपाया, फौरन कहा वल्लैल इज़ा यख्शा, कसम है फातिमा की, जब उसने 13 को अपनी इस्मत में छुपाया, इस्मत में छुपाया, ख्याल करा है, अब इस्मत में छुपा के, अब अल्लाह ने कहा फातिमा अब बता ये कौन है जिनको तूने छुपाया है। अब बीबी ने कहा ये फातिमा का बाप है, ये फातिमा का शौहर है, ये फातिमा के बेटे हैं। जब ऐलान हो गया, अब अल्लाह ने कहा बेपरवाह हो के रसूल कह दे कुल हो अल्लाह हो। हम सब जाइए, मेरा रसूल कह दे कुल हो अल्लाह हो अहद। जनाब रसूल ने कहा कुल हो अल्लाह हो अहद, तनु अच्छी नहीं लगी, हुन सुर होवे तो दोहे पढ़ूं,
ਕਈ ਵੇਲੇ ਦੋਹਰੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਪੁੱਤਰ, ਕੁਲ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਅਹਦ। ਦੇਖੇ ਅਹਦ ਕਿਸ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਰਸੂਲ ਸੇ, ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਮੇਂ ਵੀ ਅਹਦ। ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਤਬਰੋ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਖਬਰ ਹੈ ਸਾਈਂ ਕੇ ਹਾਥ ਸੇ ਕੈਸੇ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਇਆ ਸਭ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਅਭੀ ਅਭੀ ਪੁੱਛੇ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ ਜਨਾਬ ਰਸੂਲ ਨੇ ਕਹਾ ਕੁਲ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਅਹਦ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਨੇ ਕਹਾ ਅੱਲਾਹ ਸਮਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ जितने दाग हैं तो ही से हटते जा रहे हैं हिजाबों के जो दुनिया को समझ नहीं आई। रसूल ने कहा कुल हो अल्लाह अहद, सियाने बड़ो सियाने, कुल हो अल्लाह अहद। अली ने फरमाया अल्लाहु समद, वर्द करके तो देखे ना अल्लाहु समद। हसन ने कहा लम जलद, अब कयामत तक अल्लाह पाक सुभान हो गया। अयकूना लहू वलद, तो सुभान की दलील कौन बन रहा है? हसन। हसन ने क्या कहा? लम जलद, लम जलद। हुसैन ने कहा वलम जूलद, ना पैदा है ना पैदा किया जाता है, लम जूलद। बीबी ने कहा जो रसूल ने कहा था वलम यकुल लहू कोफो वनाहत, अब मानो, अब मानो। रसूल ने भी अहद कहा, सैयदा ने भी अहद कहा, वह मानो मानो। रसूल की बेटी एक है, चार नहीं। अल्लाहु समद। हसन ने कहा लम जलद, अब कयामत तक अल्लाह पाक सुभान हो गया। अयकूना लहू वलद, तो सुभान की दलील कौन बन रहा है? हसन। हसन ने क्या कहा? लम जलद, लम जलद। हुसैन ने कहा वलम जूलद, ना पैदा है ना पैदा किया जाता है, लम जुलद। बीबी ने कहा जो रसूल ने कहा था वलम यकुल लहू कोफो वनाहत, अब मानो, अब मानो। रसूल ने भी अहद कहा, सैयदा ने भी अहद कहा, वह मानो मानो। रसूल की बेटी एक है, चार।